हेलो होम मिनिस्टर, बहुत सोच समझ के ये नाम रखा होगा। हमारी सोच समझ भी वहीं तक गई। ऊपर से वो कुदरत, वो भी बाप मैं भी बाप। नहीं, कोई जरूरत नहीं प्रूफ ऑफ लाइफ। मुझे पता है वो जिंदा है बस, और हाल फिलहाल तक रहे। नहीं, गलती नहीं की है, जानबूझकर किया है। पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। मेरा बच्चा भी खो गया है कि छोटे से मुंह में बड़ा खोल कर कोई खा रहा था, उसी में कहीं खो गया है मेरा बच्चा। बस मुझे बता दीजिए गलती किसका है, और फिर नहीं इंक्वायरी नहीं चाहिए मुझे, आदमी चाहिए। अगला दिन उसे सजा सुनाऊंगा और आपके बच्चे को छोड़ दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसूल कहता है कि एक और बच्चा खो जाए। दिया तो सॉल्यूशन ढूंढो ना। ए वक्त तुम उसे नहीं मुझे ढूंढने के लिए मांग रहे। नहीं ढूंढ पाओगे, टेक्निकल टीम ने रीजन बता दिया होगा क्यों नहीं ढूंढ पाओगे। ऊपर से आम दिखता हूं, नहीं ढूंढ पाऊ। सकल सूरत कपड़ा लत्ता सब 125 करोड़ जैसी, नहीं ढूंढ पाओ। मैं चैलेंज देता हूं, तुम मेरा लोकेशन नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, मैटर पे बात करो। ढूंढ के लाकर दो मेरे बच्चे को। ये कौन बोला? आवाज के तेवर से तो लगता है बड़ा साहब हो, पर आवाज में कुछ था जिससे लगा कि एक बाप बोला। तो होम मिनिस्टर साहब को भी पता नहीं है मेरा बच्चा कहाँ है? हाँ हाँ, ना जाने हाल फिलहाल में कितनों के बच्चे खोए होंगे। लिस्ट लंबी है, समय तो लगेगा सर। लीजिए लीजिए फाइलें ढूंढिए, आपको तो आदत नहीं होगी ना फाइलें ढूंढने की। करिए, अब मेहनत करिए, कष्ट उठाइए। कम से कम आपको पता तो चलना चाहिए कष्ट होता क्या है। ऑफिसर, जहां किला खोल के रखा है ना आजकल, वहां का नंबर दो, मैं कॉल करूंगा। ठीक। कुछ साल पहले की बात, मैं और मीना अक्सर वहाँ जाया करते थे। मीना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, लेकिन मेरा भाई मेरी जायदाद हड़पने के लिए मुझे पागल करार करना चाहता था। उन्हें की पागल खाने में मुझे भर्ती करवा दिया। एक दिन कुछ लोग आए और मुझे उठाकर ले गए। वहाँ पे घोर अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ समझ नहीं आता था। मैंने वहाँ से भागने की तैयारी की। एक दिन मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरे बगल वाले को ना दौरे पड़ने लगे। वो लोग आ गए, लोग कुछ लेकर आए थे। बड़े से तार की तरह चिंपल लिपटी हुई थी, बस करंट खुलने का मामला था। मेरी बारी भी आ गई। एक को तो अचानक मैंने धूल चढ़ा दी, लेकिन दूसरे ने चिमटे से मेरा सर दबोचा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ना मुझे नाम याद है, ना मेरा घर, ना पता। लेकिन आज मैं ठीक हूं, कुछ करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले उस भाई को ढूंढना चाहता हूं जिसने मेरी हालत ऐसी की है, जो आज अमेरिका में मजे की जिंदगी जी रहे। लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ करना चाहता हूं। ये बाहर बगीचे में ना खेत उगाना चाहता,
बस